हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार पांडे, लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम इलाहाबाद। कल 21 जुलाई को बीपीएससी का पेपर हुआ और कल रात में ही मैंने इस पेपर को सॉल्व करा दिया था और ये भी बताया आपको कि सारे के सारे क्वेश्चन जेसी नेसफील्ड से पूछे थे। तो कुछ लड़कों ने कहा कि सर हमको वो स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए किताब से। तो ध्यान रखिएगा, जेसी नेसफील्ड से पूरा का पूरा वो कैब और पूरा का पूरा ग्रामर, ये सोचिए कि 99.9% पूछा हो, 0.1% छोड़ दिया हो, तो ऐसा नहीं है। मतलब 100% क्वेश्चन वो कैब का और ग्रामर का जेसी नेसफील्ड की किताब से उठा के पूछा है, ठीक। और प्रूफ आपको दिखाते हैं, ये क्या है, जेसी नेसफील्ड की बुक है, इसी से उठा के पूछा है। अच्छा, एक थोड़ा कष्ट की बात है, मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ। एक मैडम है, उन्होंने कहा कि कोई कुछ टीचर कहते हैं कि जो ग्रामर, मतलब जो लिटरेचर पढ़ा सकते हैं वो ग्रामर वो नॉलेज नहीं दे सकते हैं। देखो मैं दे रही हूँ, जबकि 12-13 क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया, नाम नहीं लूंगा किसी टीचर का, और उन्होंने इंडिकेट करके कहा और भी कुछ जो भी हो। लड़कों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे कह रही थी। तो भाई 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, ठीक है। जब आप एक्सप्लेन करते समय थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो वो गलत नहीं होना चाहिए। मानवीय भूल क्षम्य होता है लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। मैं वो बात फिर से कह रहा हूं कि अगर जो टीचर लिटरेचर जबरदस्त पढ़ाएगा वो ग्रामर नहीं पढ़ा पाएगा, उतना नॉलेज नहीं दे पाएगा। मुझसे कोई कहे कि सर चलिए आप लिटरेचर पढ़ाइए, तो मैं वो गहराई नहीं दे पाऊंगा लिटरेचर में। हमारे यहाँ रामलला ओझा सर हैं, वो ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन रही बात कि वो लिटरेचर के महासागर हैं। मैं खुले मंच से कहता हूं, ध्यान रखिएगा, दुश्मन के अंदर भी अगर क्वालिटी है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आइए हम लोग ये देखते हैं। तो मैडम को सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, जैसे इस यही क्वेश्चन उन्होंने गलत बता दिया था कि ननाफ दीज, जबकि नेसफील्ड में उठा के देखिएगा, टाइम एंटेंस का चैप्टर उठा के पढ़िएगा कि ही डिड दिस बिफोर, ये बिफोर एक ऑप्शन था है ना, और उस समय तो एगो था, और यहां क्या था, सिंस था। यही क्वेश्चन था नाथ में कि ही डिड दिस डैश एंड यू हैव डन इट डैश, तो बिफोर और सिंस दिया था। देखिए एग्जाम्पल उठा देख लीजिए, जेसी नेसफील्ड की किताब का है, सारा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये है, ठीक। आगे देखिए, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जब आप पार्टिसिपल का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये देखिए द सन, ये हैविंग राइजन, ये देखिए एग्जाम्पल उठा के पूछा है, दे सेट ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सिक्वेंस गड़बड़ है, लेकिन आप जो जो पेपर दिए होंगे उनके निगाह में तो ये क्वेश्चन आ ही जाएगा ना, तो आप लोग खूब अच्छे से मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा, यही एग्जाम्पल उठाएगा। और ध्यान रखिएगा, मैं आज रात 10 बजे आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का टिप्स बताऊंगा और किताबें भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ग्रामर की किताबें आप पढ़ लीजिए, और बीपीएससी 4.0 मैं शुरू करने चल रहा हूं कल से, नया बैच, 4 महीना 3 महीना आपको टाइम मिलेगा, और उसका भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा, ठीक है ना, किताबें बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आप ले लीजिए, कहीं का भी एग्जाम होगा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे एलटी गेट हो, जब जब भी पेपर हुआ है मैं 3 घंटे के, मतलब पेपर के 1-2 घंटे के अंदर ही बता दिया हूं कि किस किस बुक से उठा के पूछा है। टीजीटी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था 2021 में, मैंने बता दिया था कि एसपी बख्शी और आरपी सिन्हा की किताब से उठा के पूछा है। एलटी ग्रेड जो पेपर हुआ था पूरा का पूरा रेन एंड मार्टिन से उठा के पूछा था, ठीक। 2011 का पेपर जब 2015 में हुआ था तो वो भी मैंने बता दिया था कि टफेल की किताब से उठा के पूछा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं पांडे सर
फॉरेन राइटर्स को पढ़ाते हैं, आ तो गया है फॉरेन राइटर का, पल्ले नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, टीचर लोग भी गलती कर गए हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं, स्टाइल मारने से नहीं होता है भाई कि आप कह रहे हैं कि थ्री इन टू, अरे भैया वहां थ्री इन लगेगा, अभी बताता हूं कि क्यों होगा, पूरा लॉजिक बताता हूं। तो ज्ञान सागर है, हम लोग एक दो बूंद ही ग्रहण कर पाते हैं, ज्ञान पे कोई घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा सोचता है तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं ज्ञान पे कभी घमंड ही नहीं किया हूं। लेकिन हाँ, ये मैं फिर से ये दावा करता हूं जो मैम ने कहा कि जो लिटरेचर पढ़ा पाते हैं वो ग्रामर नहीं पढ़े, मैं फिर से वही शब्द दोहरा रहा हूं। हाँ सही बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कहूंगा कि जो लिटरेचर का प्रकांड विद्वान होगा वो ग्रामर में वो गहराई नहीं दे पाएगा, और ग्रामर का जो विद्वान होगा वो लिटरेचर में गहराई नहीं दे पाएगा। दस पांच लड़के बेवकूफ बनाने के लिए मैं लिटरेचर के फंसा सकता हूं भाई, जिसको जीरो आ रहा है, मुझे 10% आ रहा है तो मैं उनको 10% में बेवकूफ बना सकता हूं, लेकिन मेरा जमीर गवाही नहीं देता है। ठीक है ना, तो मैं वो काम नहीं करता हूं जिससे मुझे पाप लगे, मेरे दो बच्चे हैं, श्राप लगेगा। चले आगे, देखिए यहां भी देखिए क्या है, आई हैड रैदर, क्या है टेक, पूछा क्या था कि ये क्या है, तो हैड रैदर, वुड रैदर, हैड बेटर, हैड सूनर, इन सब के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो ये क्या है आपका इन्फिनिटिव, तो वहां आपको क्या लगाना था, देखो यहां लिखा है ना फ्रेज, हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो ये देखिए एग्जाम्पल उठा के, सेम एग्जाम्पल उठा के पूछा है आपसे, ठीक है ना। मैंने जो जो लड़के मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैंने उनके पास स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। जो नए लोग हैं, मेरा मोबाइल नंबर देखिए क्या है, 9580150999। मैं ये क्लास लेके ना आता, मतलब तो कुछ लोगों ने कहा नहीं सर हमको स्क्रीनशॉट बना के भेज दीजिए, हम कहे चलो ठीक है। तो किताब का मैं एक प्रूफ दिखा रहा हूं कि मैं हमेशा प्रूफ के साथ पढ़ाया हूं, ठीक है ना। बाकी टीचर बहका दे लोगों को तो अलग बात है भाई। देखो स्टूडेंट क्या होता है, इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं मालूम है, एकदम साल भर का बच्चा है, उसको जो समझा दिए समझ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, आगे देखिए, इसमें देखिए क्या है, एक चैनल है उसपे लाखों सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने टू बता दिया था, यहां देखिए सेंड फॉर ए डॉक्टर, क्या है सेंड फॉर ए डॉक्टर, ये एग्जाम पल उठा के पूछा है आपसे। और ध्यान रखिएगा रात 10 बजे की क्लास में 100% आइएगा, चाहे आप बीपीएससी दीजिएगा चाहे यूपी टीजीटी दीजिएगा, इतना गजब का टिप्स बताऊंगा, और वो टिप्स अतीत में हमेशा फॉलो हुआ है, उस पे जाके वर्क कर लीजिएगा। अगर मेरी एक बात भी छूटी हो जाएगी तो बताइएगा हमको। एग्जामिनर का माइंड जिस दिन पढ़ना सीख गए आप ना, परीक्षा आधी, देखिए एक अच्छी शुरुआत क्या होता है जानते हैं, आधा काम आपका समाप्त हो जाता है। लोगों ने इसको क्या बता दिया है कि पार्टिसिपल, एग्जाम्पल क्या था, आई रिलाई ऑन द वॉल बीइंग बिल्ट इमीडिएटली। ध्यान रखना, जब जीरंड पैसिव फॉर्म में होता है तो नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, अगर यह एक्टिव में होता तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता, लिविंग पर्सन होता ऐसा कुछ होता तो क्या एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता, एक्टिव फॉर्म में होता जीरंड तो ये क्या है, आई रिलाई ऑन, देखिए सेम एग्जाम्पल उठा के पूछा है, क्या था पार्टिसिपल था, जिरेंडिव यूज ऑफ पार्टिसिपल था, तो ये क्या है जिरेंडिव यूज ऑफ पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है। ठीक, आगे देखिए एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां क्या है, ही केम, कहां है देखिए ऊपर एग्जांपल, ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वह आया और मेरे बगल बैठ गया, बराबर बाई, बाई का एक अर्थ होता है बगल, जैसे ही केम एंड सैट बाई मी, तो ये भी चाहे बाई लगा दीजिए चाहे बिसाइड लगा दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है।
बाई माने भी बगल और बिसाइड माने भी बगल। कैसे जाने दे, एक कंफ्यूजन वाला होता है बिसाइड्स, है ना, बिसाइड्स। तो जो नए लड़के होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका मतलब बगल होता है कि अतिरिक्त होता है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें एस अतिरिक्त लगा है, क्या है, ये अतिरिक्त लगा है। तो इसका मतलब होता है अतिरिक्त, जिसमें एस अतिरिक्त लगा है उसका मतलब ही होता है अतिरिक्त। इस पेज से एक क्वेश्चन और पूछा है, वही इसको लगभग तक सभी लोगों ने गलत करवाया है। उन्होंने ये लॉजिक बताया कि जहां डायरेक्शन की बात होती है, प्रवेश करने की बात होती है, इस मतलब अरे कब तक कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। देखो होता कब है, इनटू कब होता है, जब कोई चीज जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो नदी है ना, नदी के अंदर वो क्या करेगा, समा जाएगा, पानी के अंदर उसकी बॉडी चली जाएगी। जैसे वो कमरे में प्रवेश किया, कमरे में गया, वेंट इन टू द रूम, तो कमरे की एक सीमा है, तो किसी सीमा की परिधि में अगर आप प्रवेश कर जाते हैं तो वहां इंटू होता है। अब बताइए आग की कौन सी सीमा है, आग तो ऐसे ऐसे जलती है और भभक के भी जलती है, कमरे के बाद 10 फीट उठ सकती है, तो उसकी कोई सीमा तो होती नहीं है। तो इसमें क्या, आग में यहां इन का प्रयोग किया जाएगा, सी थ्रू द लेटर इन द फायर, सेम एग्जाम्पल उठा के पूछा है, ठीक है ना। तो एक ही पेज से दो क्वेश्चन उठा के पूछा है, एक ये पूछा है, एक ये पूछा है। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इसी बात पे आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, लाइक करिए और लाइक कर दिए, चलिए आपका ईमान धर्म है, ठीक है ना। जब कोई आदमी देता है उसके बदले आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक ही तो करना है ना। और दूसरी चीज, इस क्लास को एकदम बिंदास आप शेयर कर दीजिए, ठीक। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं 15-20 मिनट डेली लेकर के आया करूंगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आया करूंगा। बाकी मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, मेरा भी अपना परिवार है। चलिए आगे देखते हैं, यहां देखिए क्वेश्चन था, आई हैड रैदर टेक दिस देन दैट, ये भी आया था, है ना, ये शायद रिपीट हो गया क्या, हाँ ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, ये तो हो चुका है। ये देखिए इसमें एग्जांपल क्या था, विथ, यहां प्रीपोजिशन क्या, देखिए सेम एग्जांपल उठा के पूछा है, रेसलिंग होती नहीं है, ये वर्ब है, रेशल विथ एंड एडवर्सली, तो ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, विथ लेगा। ये एग्जांपल देखिए, सेम एग्जाम्पल उठा के पूछा है, अब आपको बताऊंगा आगे कि आगे क्या करना है, आपको कैसे जानेंगे, कहां से हम, क्या पूरी किताब पढ़ी जाती है क्या, नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक, ताकि चाहे जैसे आए आपका क्लियर हो जाएगा। और भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आई वुड रैदर हैव द पिक्चर देन द पेन, यही एग्जाम्पल उठा के पूछा है ना, ये सारे के सारे जेसे नेसफील्ड की किताब है। ये हो गया, आगे देखिए एग्जाम्पल, He laughed a hearty laugh. ये क्या है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट, मतलब कॉग्निट नाउन, ठीक, फॉर डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ब, तो वर्ब का ही प्रतिरूप होता है, वर्ब का ही एक तरह से सिनोनिम होता है, नाउन होता है। जैसे हमने कल एग्जाम्पल बताया था, He lived a luxurious life. लाइफ क्या है आपका, वहां कॉग्निट ऑब्जेक्ट है। देखिए ही लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ, लाइफ क्या है आपका, जैसे ही फॉट अ गुड फाइट, तो फॉट का ही ये क्या है, नाउन है, इसको क्या है, चाहे कॉग्निट नाउन कह दीजिए, चाहे कॉग्निट ऑब्जेक्ट कह दीजिए। तो देखिए सेम एग्जांपल उठा के पूछा है आप लोगों से, मैंने हमेशा आप लोगों को और सबसे पहले बताया हूं, किसी भी चैनल पे, चाहे यूट्यूब, चाहे जितना बड़ा यूट्यूबर हो, लाखों करोड़ों उनके पास फॉलोवर्स हो, लेकिन जाके चेक कर लीजिएगा अतीत में, या जो मुझसे पढ़े हैं, सबसे पहले मैंने ही बताया है, ठीक। ये देखिए आगे देखिए, हाँ तो इतने थे, बाकी वो कैब भी उठा के पूछा है, वो कैब भी वही उठा के पूछा, वो कैब नहीं डाला मैंने, ठीक है ना। तो 100% क्वेश्चन आपका जैसे नेस्फेल से पूछा है। रात 10 बजे आज आप लोग आइएगा, मैं आपको ग्रामर की किताबें बताऊंगा और
टिप्स दूंगा कि कैसे क्या क्या पढ़िए। इलाहाबाद में करोड़ों किताबें मिल जाएंगी, हमें क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन ये जान गए, आधा सिलेक्शन आपका, बताया ना कि अच्छी शुरुआत अगर कर दिए आप तो आधा विजय तो हासिल हो जाता है उसी दिन। बसरते किसी दूसरे के बहकावे में आप कभी मत आइए। मैं हमेशा बोला हूं, कभी मुझ पर भी डाउट हो तो आप मुझसे प्रूफ मांग लीजिए। मानवीय भूल बस कोई सेंटेंस आप गलत पढ़ गए, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जब थ्योरी पढ़ा रहे हैं, रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो गलत रूल को एक्सप्लेन आज तक मैंने नहीं किया है। अगर किया है, किसी को समझ में ना आया हो, तो मैंने फॉरेन राइटर्स का एग्जाम्पल उठा के दिया है, अब वो समझे या ना समझे अलग बात है। जय श्री कृष्णा। आप लोग रात 10 बजे आइएगा, ठीक, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा आप लोगों से एक बड़े भाई या छोटे भाई, ठीक है ना, चाहे चाचा जो भी मानिए, ठीक है ना, वो शेयर करिएगा।